अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वो ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने डेस्कटॉप या किसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएं और उसको कोई नाम दिए बगैर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें। जैसे कि फॉलो सेमेस्टर टू क्रिएट अ फोल्डर विदाउट नेम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फोल्डर क्रिएट करें। एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, इसको रीनेम करता हूँ। सही है, तो रिन्यू के बजाय मैं आपको यहाँ पे आके ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ। ALT ऑल्ट वाला प्रेस बटन दबाए रखता हूँ, उसके साथ मैं दबाता हूँ 255। 255 मैंने दबाया, तो अब ऑल्ट का बटन छोड़ दें और सिर्फ इंटर कर दें। इंटर करते ही आपके पास ये फोल्डर बन के आ जाएगा, कोई भी नाम दिए बगैर। देखें, ओपन भी कर सकते हैं आप, और इसी तरह आप अपने माई कंप्यूटर में जाके किसी भी फोल्डर के अंदर भी कर सकते हैं। एक मिनट, मेरे पास ये पहले से बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। मैं एक फोल्डर बनाया, इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करते हुए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, उसके साथ 255 का बटन प्रेस करता हूँ और ऑल्ट का बटन छोड़ देता हूँ। तो सिर्फ इंटर का बटन दबाएँ आप, दबाएँगे जैसे तो ये आपके पास एक कोई भी नाम दिए बगैर फोल्डर आपके सामने आ गया। देखें, ओपन भी कर सकते हैं आप, ये सामने आपके बड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड, जस्ट लाइक आवर पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।